फ्यूचर। इस मूर्ति पर जो हार पहनाया है इसका नाम है राज सत्तन तंबुरान। पूरे त्रिचुर में इसी के चर्चे चलते हैं। यहाँ लोगों ने अपनी अपनी पसंद की दुकानें लगा रखी हैं और इस मार्केट से बिल्कुल सटकर ही ये है इस एरिया का बस स्टैंड। यहाँ कभी ज्यादा भीड़ नहीं होती। भले ही दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो अब तक पुराने ख्यालों में ही जी रहे हैं। पुलिस बिचारी एक्शन ले रही है इस शहर को क्लीन करने के लिए, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो यहाँ के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अब तो यहाँ हर तरीके का धंधा चल रहा है, गांजा, स्पिरिट, ड्रग्स, इन सारी चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है। यहाँ गोरख धंधा हो रहा है, सरकार को भी ये पता है और यहाँ के लोग गुंडागर्दी से भी परेशान है। दिशुं, दिशुं, धड़ा, धड़ा, धूम। सब जगह पर यही। यहाँ की पुलिस भी दो नंबर का धंधा करने वालों का साथ दे रही है, जैसे बार में जाकर सेवा करना, गोल्ड के ब्लैक स्मगलिंग को देखकर भी अनजान बनना। उल्टा पुलिस ही इस गोल्ड की रक्षा कर रही है। सबका अपना अपना ग्रुप है, शाम को सभी हिस्सा लेने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर तो विकलांग लोगों को भी नहीं छोड़ते, उन्हें भी इस काले धंधों में शामिल कर दिया है। अरे वाह, कमाल की जगह है ये। शांति मिलना तो दूर, यहाँ के लोग शांति होती क्या है ये तो भूल ही चुके हैं। आवाजें, हथियारों से लोगों की मौत, ये तो यहाँ का रोज का काम है। सिर्फ इसी की नहीं, जोशी, मोकाशी, देशमुख, देश पांडे, हरी पांडे, हरिपुरी, नाम खत्म नहीं हुए, वर्मा, शर्मा, सिंह, सोनी, ठाकुर, उपाध्याय, इन सब की फैमिली से एक एक आदमी तो टपक चुका है। दरअसल होता क्या है कि इन सारे लड़कों को बड़े बड़े लोग मार डालते हैं। दरअसल यहाँ पर दो तीन ग्रुप ऐसे है जो सारे गाँव में घूम कर आतंक फैलाते हैं। गुंडों को पकड़ने के लिए पुलिस तो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही है, लेकिन उसका फायदा तो कुछ है नहीं क्योंकि उनके हाथ कुछ लगेगा ही नहीं। लेकिन मैं इन लोगों को जानता हूँ, चलिए आप भी मिल लीजिए। मैं सर्कल इंस्पेक्टर नीरज मालवाज, लोग मुझे मौत भी बोलते हैं। बहुत ही टेढ़ा आदमी हूं मैं। अच्छे अच्छे गुंडे कांप जाते हैं मेरे नाम सुनने के बाद, और अंडरवर्ल्ड के लोग मेरा नाम सुनने के बाद पेशाब कर देते हैं पैंट में। देश में जो भी आया हमें लूट कर गया और हम देखते रह गए, लेकिन अब लूटने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने भी कसम खा रखी है, एक एक क्रिमिनल को समझ चुका हूँ। अब तो सरकार ने भी वर्दी दे चुकी है, अगर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा किया तो उनका खेल खत्म कर दूंगा। नहीं तो मरने के बाद ऊपर वाला पूछेगा कि त्रिचूर में क्या किया, तो उनको क्या जवाब दूंगा मैं? अरे सीआई होकर त्रिचूर में तुमने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए तो मैं भी लगा हूं। सब इंस्पेक्टर रेखा, रेखा सी नायर, ड्रैकुला लेडी, इस नाम से पुकारते हैं लोग मुझे। मुझे कतई पसंद नहीं कि कोई किसी का हक छीन कर खाए, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने
कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का सफर बहुत ही जल्दी तय कर लिया था और इसके लिए मैंने कीमत भी चुकाई। ये बात सिर्फ एक लड़की ही जान सकती है। ये टॉप लेवल के खिलाड़ी हैं, लो लेवल के लोग थोड़े अलग हैं। अरे एक बार चलेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये दोनों अपनी जोड़ी बनाकर घूमेंगे, बाइक से यहाँ वहाँ भटकेंगे। बाइक पर ये लड़की फेविकॉल की तरह इस लड़के से चिपक कर बैठेगी, हेलमेट पहनकर। लड़की कब से गायब हुई है? कल स्कूल गई थी साहब, लेकिन अभी तक वो घर नहीं आई। आपने लड़की को मोबाइल फोन कब दिया था? बस एक साल पहले। तो ये हैं इस शहर के जवान लड़के और लड़कियां, जो अपनी मन मर्जी चलाकर फालतू में बूढ़े माँ बाप को टेंशन दे देते हैं। हेलो, कंट्रोल रूम को कनेक्ट करो। अब पुलिस वाले अपना काम शुरू करेंगे। बस एक कंप्लेंट देनी है कि लड़की गायब हो गई, बस काफी है। समंदर में छोटी सी चीज भी अगर गुम हो गई तो ये पुलिस वाले ढूंढ लेंगे। आखिर में ये लड़की बिल्डिंग से कूद जाएगी या फिर पानी में डूबकर मर जाएगी और माँ बेचारी रोएगी कि मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया। बस से उतर गए हैं, मार्केट से थोड़ा आगे जा रहे हैं अभी। सर अभी अभी ये लोग सर्कल पास कर रहे हैं, वो यहाँ से आगे जा रहे हैं। हाय, हाँ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। ओके, हाँ ठीक है ना, चलो जल्दी करो गाड़ी में बैठो। ओवर ओवर माइक्रो वाइट कार KL45H5406। बहुत मजे कर रहे हो, यहाँ कब तक मजे करते रहोगे? मेरे साथ चलो, तुम्हें अच्छी जगह बताता हूँ। जल्दी नीचे उतरो, आपके हाथ जोड़ता हूँ, नीचे उतरिए। चल बाहर निकल, चलो सर, बात करनी चाहिए, सर एक छोटी मछली फंस गई है, आइस नहीं डाला है। ओके बाय। तू इसके साथ मजे ले रही है और इसके कारण तू अपने माँ बाप को भूल गई, हाँ? तेरी शक्ल बिगड़ के रख दूँगी। मैडम, तेरा क्या है? क्यों मार रही हो इसे? इसकी कोई भी गलती नहीं है। ए, लेकर जा इसे। हाँ, चलो चलो। मैडम, उन दोनों को क्या करें हम? छोड़ दो उन्हें। ओके मैडम, ओके। किसी का नाम बताया था, इसलिए दो दिन के लिए सेक्रेटरी को बंद कर दिया। पत्नी से झगड़ा करके मंत्री साहब पार्लियामेंट ही नहीं गए, सरकार कैसे चलेगी? हाँ, ये बात है। हाँ, यही बात है। खाने में तो नमक और मिर्ची की जरूरत होती है, खाने की बात छोड़ो, आजकल यहाँ CI का खेल चल रहा है। CI का क्या कर रहे हो? बैटिंग चल रही है क्या? कहा समझते हो, ये खेल सिर्फ तुम ही खेल सकते हो क्या? अरे हम तुमसे भी बड़ा खिलाड़ी हैं, समझे? अगर तुम बैटिंग कर सकते हो तो हम कहना ही। छोड़ो भी यार,
अच्छा मेरी एक बात सुनो, वो एक और भेजूंगा तो मेरा अकाउंट क्लियर कर देना, समझे क्या? हद में रहो। क्या कह रहे? औकात है। मैं मुन्ना हूं, मेरी कहानी सुनोगे? मेरा भी गांव है, गांव नहीं जंगल है, और वहां उस जंगल में मेरा एक नाम है। उस नाम में मेरी माँ हम जंगल में रहने वाले लोग हैं, हमें अच्छी जिंदगी नहीं मिलती। मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से पाला पोसा। माँ बीमार थी इसलिए मैं जंगल छोड़कर शहर में आ गया था। कोई हमसे मिलना चाहे या हमें किसी से मिलना हो तो किसी से हमें पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, सीधे जाकर मिल लेते हैं। इस जंगल में जो मासूम लड़कियां रहती हैं उन्हें 12-13 साल की उम्र में ही गर्भवती बनाकर छोड़ देते हैं। उनके होने वाले बच्चों का बाप कौन है ये कोई नहीं जानता। मेरी माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। साबुन दो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। कौन है? वो छोटी लड़की है। क्या हुआ? अभी वो प्रेग्नेंट है, उसके गले में मंगलसूत्र भी नहीं दिख रहा। हाँ, ये डिलीवरी केस है, इसे जल्दी देखना होगा। रेंज ऑफिसर और उसके साथ ही थे। भारत का इतिहास ही जंगल से शुरू होता है। रत्नाकर नहीं जानते ना, वाल्मीकि, उसी वाल्मीकि के वंशज हैं हम लोग। इस भारत की बात करें तो हजारों साल पहले जंगल था, घना जंगल। इस जंगल पर राज करने के लिए बहुत से लोग आए, आर्या, पारसी, ब्रिटिशर्स, ऐसे बहुत से लोग आए और यहाँ की उपजाऊ मिट्टी और धन दौलत को देखकर यहीं रुक गए। और हम जो यहाँ राजा बनकर जी रहे थे हमें गुलाम बना दिया, आदिवासी बन गए हम लोग। इस मिट्टी में रहने वाले सीधे साधे इंसानों को बेवकूफ़ बनाया जाता था और वो बेचारे बेवकूफ़ बन जाते थे, क्या कर सकते थे। राजनेताओं का कहना है कि राज्य के सभी लोगों को घर दिलवाया, बिजली दी है और शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लाखों लोग बेघर हैं, बदन पर सादे कपड़े नहीं हैं और वो बेचारे नदी के किनारे और गुफा के पास रहते हैं। ना अच्छा खाना मिलता है, ना मेडिकल ट्रीटमेंट। ये आज की बात नहीं है, पांडव जब वनवास के लिए निकले थे तो उनके लिए जंगल ही स्वर्ग था। 14 साल जंगल ने ही उनकी पूरी तरह से रक्षा की थी। अर्जुन की जान बचाने के लिए जंगल का पुत्र घटोत्कच ही दुर्योधन से लड़ा था। घटोत्कच भीम का बेटा है, उसने एक साथ 1600 लोगों को मारा था। उसके मायावी रूप लेते ही सारे कौरवों की सेना भाग गई थी। कौरवों की सेना में हलचल मच गई थी कि ये कौन है जो इतना शक्तिशाली है, वो एक ही पूरी सेना पर भारी है। ये क्या है माधवी, तुम इस दर्द में काम कर रही हो, तुम्हें आराम करना चाहिए ना। जाकर अपना चेकअप कराओ। और मुन्ना कहाँ चला गया? पोस्ट पर कोई नहीं है, उसे बोलो कि जल्दी आ जाए। सबको नोटिस दे दो, कल गांव में मेडिकल कैंप है। सभी आ गए क्या?
सर गांव में कल मेडिकल कैंप है। लक्ष्मी माधवी को मेडिकल कैंप में ले जाकर चेकअप करवा देना, भूलना नहीं, ठीक है? हाँ सर, सर आप भी आना प्लीज, कल आप आ जाना मेडिकल कैंप में, आपका चेकअप करना है। क्या चेकअप चेकअप उन लोगों ने लगा रखा है, इसकी वजह से क्या मैं काम छोड़ दूं? गाँव से मुर्गियां नहीं चुरा सकता। क्या अम्मा बुला रही है? मुन्ना जिसको दिखाना है दिखा दे, ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली। इससे अच्छा तो तुम खुद पर ध्यान दो, थोड़ा सुधर जाओ, सुधर जाओ। वो लोग तो बिल्कुल पागल हैं। ऐसी बात नहीं है माँ। मुझे मत समझा, मैं दाल लेकर आती हूँ। सांप वाली बात बताऊँ क्या माँ को? सांप को पकड़ने वाली बात माँ को मत बताना। सांप की बात नहीं है, मेंढक को पकड़ा था, कॉकरोच को पकड़ा था, ये सब बताऊंगा मैं। अब खाना खा। वहाँ काम नहीं मिलता इसलिए हमें यहाँ बेवकूफ बना के मेडिकल कैंप लगाते हैं। इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इससे अच्छा तो तुम ही मेरा ध्यान रखो। ऐसी सेहत रहे तो अच्छा है, सूखा हुआ अच्छा है। तुझमें तो बहुत ताकत है ना, काले बंदर की ताकत है तुझमें। अपनी शक्ल देख बे। चल रहे गेंडे। सर मेडिकल वैन आई है। ठीक है जाने दो। हाँ चलो। माधव सेठ यहाँ इस समय? कैसे हैं सेठ जी? हाँ बढ़िया हूँ। इस तरफ जा रहा था तो सोचा कि कुछ खास है, हमेशा रुक जाते हो आप। और सब काम ठीक ठाक चल रहा है ना? और सुनो, कैंप खत्म होने के बाद गाड़ी के साथ साथ हमारा सामान भी भिजवा देना, ठीक है? आपको ये बोलने की जरूरत नहीं। चलो गाड़ी में बैठो, कैंप की तरफ होकर आते हैं। आ जाओ। चल रहे। अब कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ? आंखों की दवाई लेती है ना आप? देखिए टाइम पर लेना बहुत जरूरी है। ज्यादा लोग तो नहीं है साहब, यहाँ कौन कौन सी दवाइयाँ आई है? दवाइयाँ मुझे दे दो, मैं उनके घर पहुँचा दूंगा। ये लोग दवाई लेंगे, इन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। इन्हें तो जंगली जड़ी बूटी से ही अपना इलाज करने में विश्वास है, हमारी दवा पर नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हाँ तुम ठीक कह रहे हो। ये क्या है सर, गांधी जी जैसे नेताओं ने हम जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं किया क्या? तुमसे किसने कहा है कि कुछ नहीं किया है? आजादी की लड़ाई में हमारे यहाँ के नेताओं ने अलग अलग राज्य के राजाओं को और हर वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़कर जाति धर्म का भेद मिटाकर लड़ाई लड़े। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की कठिन मेहनत की वजह से आज देश आजाद हो गया। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो आज भी छोटे छोटे गाँव में रहते हैं लेकिन देश की सेवा करते हैं।
गाड़ी आगे पार्क कर दो, ठीक है? आ जाओ, चलो। हैं? अच्छा, तुम यहाँ की कलेक्टर हो? माधव सेठ, आप चाहें तो लक्ष्मी को कलेक्टर बना सकते हैं। यही तो, भारत में 486 प्रजाति के आदिवासी लोग हैं। इनकी संख्या 20 करोड़ है। अगर ये लोग आपस में मिलकर रहें तो सुधर जाएंगे। अभी जाकर निकालेंगे तो बहुत बढ़िया शहद मिलेगा। हाँ, सही कह रहे हो। नए सर को दूंगा तो बहुत पसंद करेंगे। हाँ, तुम सब उसे दे दोगे, वो खाएंगे और हम तुम्हें देखते रहेंगे। तुम्हारे साथ ऐसी जिंदगी बितानी पड़ रही है मुझे। चलो, अब तैयार हो गए हो तुम, ये लो। भैया, वहां देखना, बहुत मस्त है। चल चलते, यहाँ पे हमें बहुत मस्त शहद मिलेगा। मधुमक्खियां बहुत है, संभल कर चढ़ना, काट लेंगी तुम्हें। मुन्ना, संभल कर। हाँ, तुम्हारी माँ बीमार है। माँ? चल 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 चल। माँ, माँ क्या हुआ? मुन्ना, बेटा, बेटा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो। इन्हें मेडिकल कैंप लेके चलो। उठ, चलो, चलो माँ, समझे, पकड़, चलो माँ, चलो, चलो, चलो। सर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, माँ को देखो ना। डॉक्टर साहब, देखिए ना, आराम से, माँ बीमार है। क्या हुआ? देखो ना, देखो ना जल्दी, डॉक्टर साहब, जगह खाली करो, देखने दो। डॉक्टर साहब, हाँ, क्या हुआ माधवी? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। माँ, I'm sure it's cancer. मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, ये पेशेंट की आखिरी स्टेज है। यहाँ के लोगों को ये सब कुछ भी पता नहीं है कि किस बीमारी की वजह से ये मर जाते हैं। कम से कम एक बार तो मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए था। देखो, इनको गांव के बाहर किसी बड़े शहर में ले जाओ, वहाँ इलाज अच्छे से होगा। बेटा, हे? बेटा, अब चलो यहाँ से, चलते हैं। अब मैं ठीक हूँ बेटा। क्या कर रही हो माँ? दवाई लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, चलो। माँ, माँ क्या कर रही हो? रुको। अरे बेटा, यहाँ रुकूंगी तो काम पर कौन जाएगा? ये क्या माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें इस तरह बाहर भी नहीं आना चाहिए। अच्छा होगा कि तुम जाकर सो जाओ माँ। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर दे। पर उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, बहुत खर्चा होगा बेटा। माधवी, तुम अंदर जाकर बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ, अपना ख्याल रखो।
माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। मैं एमएलए को मिलता हूँ और कल तुम अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल चले जाना। कहाँ जाना है? हॉस्पिटल जाना है आपको? चलिए। हाँ चलो। यही है वो हॉस्पिटल, छुट्टा नहीं है मेरे पास। अभी लेकर आए ये अच्छा हुआ, नहीं तो और भी तबीयत खराब हो जाती। इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। कैश काउंटर पे जमा कर देना, पेशेंट को वार्ड में लेकर जाओ। खाने के बाद ये दवाई देना और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना। कैश भर दिया? Praise the Lord, मेरे प्रभु इस बच्चे के कष्ट को दूर करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशुआ आपके नाम से इन बच्चों का कष्ट दूर हो, इन्हें आशीर्वाद मिले। हालेलुया, इनके जीवन को खुशियों से भर दो, इनके सारे कष्ट दूर कर दो, इन्हें सभी प्रसन्नता दो, इनकी गरीबी दूर कर दो। हालेलुया, प्रभु यीशुआ ये सब आपके बच्चे हैं, अगर इनसे कोई गलती हुई है तो इन्हें माफ कर दो, इन्हें खुशी दो। हालेलुया, ये सब आपके बच्चे हैं, सब आपके बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु इनको खुशी दो, प्रभु इनका कष्ट दूर करो। हालेलुया। मुन्ना, हॉस्पिटल के खर्च के लिए सर ने पैसे दिए क्या? सर ने नहीं दिए, मेरे पास पैसे थे माँ। आ, 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 आ,
शांत हो जाइए। दर्द हो रहा है बेटा। क्या हुआ है मेरी माँ को? बताओ। डॉक्टर। माँ। बेटा। कुछ नहीं होगा माँ। कुछ नहीं होगा। जल्दी करो। माँ। जरा साइड हो जाओ। आराम से। मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। ब्लड को क्लीन कर लो और वेंटिलेटर पर डाल दो। आपने सही कहा डॉक्टर, पर इसका खर्चा होगा डॉक्टर। यहाँ बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, और सरकार भी इनकी थोड़ी बहुत मदद करती है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक ऑपरेशन तो कर दिया है और एक ऑपरेशन करना है, तुम कैश की अरेंजमेंट कर लेना। देखो तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता भाई। सर, मेरी माँ अस्पताल में, थोड़े पैसे चाहिए। जाना जाना भाई, जाओ भाई। प्रभु येशुआ, अपने बच्चों के लिए आपने 2000 साल पहले अपनी जान दे दी, जबकि आजकल के बच्चे आपको भूलते जा रहे हैं। प्रभु येशुआ, ए, इसे रख दे। प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्या बकवास कर रहा है ये आदमी। हाँ हाँ ठीक है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जिसे जिस चीज की जरूरत हो उसे उसे दे दो, प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। पहले के चाय के पैसे जो बाकी हैं देकर जाओ। आप इस दुनिया से चले जाओगे, आपके साथ सिर्फ प्रभु का आशीर्वाद ही जाएगा। ए, ज्यादा बकबक मत कर, पहले के पैसे दे। क्या क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? क्या आदमी है यार ये। ईश्वर तुम्हारे साथ है प्रभु, ईश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। प्रभु अपने सभी बच्चों को प्यार करता है। हालेलुया। अपने सब बच्चों को आशीर्वाद देता है। हालेलुया। हाथ फैलाने के लिए वो सिखा कर गया है। माँ बीमार है, हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है। पैसे नहीं तो मैं क्या करूँ? ये ले, सुन, कल पिताजी बीमार है बोलकर मत आ जाना। अरे भाई क्या हो गया? दुकान खोलते ही नाटक शुरू हो जाता है, दारू पीने के लिए पैसे लेने आ जाते हैं। अच्छा कितना हुआ? 130 रुपया। ये लो।
आइसक्रीम चाहिए बेटा? हाँ मम्मी। आ जाओ, अब आगे कहाँ जाना है? जाते समय मेरी बहन के यहाँ होके चलेंगे, ठीक है? ओके। हाय। उससे मैंने बहुत दिन हो गए। अच्छा ठीक है, लेकिन वहाँ से जल्दी निकलेंगे। अरे बेबी कहाँ? बेबी, बेबी, कहाँ गई वो? तुमको बोला उसका ध्यान रखा करो। मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी, चलो यहाँ से निकलो। मेरे बच्चे, मम्मी, मम्मी, तुम ठीक हो ना? थैंक यू भाई साहब। ये ठीक है ना बेबी? हॉस्पिटल में कौन है? माँ, ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। ए रुक रे, कहाँ जा रहा है? चल पैसे निकाल। अरे बात क्या कर रहा है? जल्दी। क्या हुआ? Excuse me, पेशेंट का रूम कहाँ पर? मुझे क्या पूछते हो, वहाँ पूछो। ओके। फिर से बिगाड़ दी। ये लीजिए पैसे। उधर पूछो। ठीक है भाई। इतने पैसों में क्या होगा? आपके साथ कोई और नहीं आया क्या? इस पेशेंट का रिश्तेदार बाहर बैठा है, लगता नहीं उसके पास पैसे हैं। सुनो, उस पेशेंट को मुर्दा घर में डाल दो और इसको जल्दी से वेंटिलेटर पर शिफ्ट करो। ओके? ओके सर। डॉक्टर आ गए? उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, फिर भी हम देखते हैं। सॉरी, हमने भरपूर कोशिश की। हॉस्पिटल का बिल भर दो और बॉडी लेकर जाओ। ज्यादा इमोशन मत दिखाओ, बहुत लोगों की मां को मरते हुए देखा है हमने, ये कोई नया केस नहीं है। बाहर निकालो इन लोगों को। चल उनको। चल सुन, नहीं ऐसे नहीं है। चलो इसे। चलो लगता है फुल टाइट है। यहां क्यों बैठा है? जवाब क्यों नहीं देता? गूंगा है क्या? माँ अस्पताल में पैसे नहीं है, इसलिए माँ को नहीं दे रहे। तू यहां बैठकर क्या कर रहा है? तू भी अपनी माँ के पास जा। माँ मर गई है सर। धंधा करने वाली औरतें इसी तरह मरती हैं, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था नहीं होती। इसने पुलिस वाली पर हाथ उठाया,
पकड़ो इसको, पुलिस पर हाथ उठाना है। चल अंदर छोड़ो इसके अंदर, चल बैठा गाड़ी में, चलो छोड़ो मुझे। नहीं तो अरे साहब ज्यादा मत मारो, मर जाएगा बेचारा। अरे साहब मैं मत मारो। मैडम इस कैदी का क्या करें? छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे, बहुत मार खा ले, जाने दो। तुम अभी जाओ। यस मैडम। मुझे यहाँ डॉक्टर से मिलना है। ओके। सिस्टर, यस डोंट माइंड, एक बात पूछूं? जी पूछिए। I want to ask about that boy who is sitting outside. May I talk to your senior doctor? Doctor ward mein hai ma'am. It's very urgent. Okay, unse baat kar lijiye. Doctor? Yes. You can carry on. Okay, doctor. Yes. Accident mein marne wale Raghav ke relatives aaye hain. Lekin uska procedure ho gaya hai. Doctor? Huh? Yes. Wo aadmi wahan kyun baitha hai? ओह, उस आदमी की माँ मर गई है, उसकी बॉडी मॉर्चरी में है। अब दुखी होकर क्या फायदा, मरा हुआ इंसान वापस तो नहीं आ सकता। तुम सिर्फ एक काम करो, अपनी माँ की बॉडी को अस्पताल से ले जाकर अंतिम संस्कार कर लो। इसे ले जाकर तुम बेच दो या गिरवी रखो, कुछ भी करो, उस पैसे से बिल भर दो। मैं समझ रही हूं, इसीलिए तुम्हें दे रही हूं। सुनो, ये खरा है कि नहीं चेक करो। सर, प्योर गोल्ड है। सुनो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, तुम पुलिस को फोन करके बुलाओ। ठीक है। चलो जल्दी चलो। यही है वो, ले चलो जीप में बिठाओ इसे, ये चैन मुझे दो। सब, चलो तुम भी आओ। सब मैंने, चल, मैंने कुछ गलत नहीं किया सब, चल, छोड़ो मुझे। सब मैंने कुछ गलत नहीं किया, छोड़ो ना मुझे। मुझे तो जिंदा जला देना चाहिए, क्या समझ रखा है तूने? हमारे डिपार्टमेंट को बेवकूफ समझ रखा है? मेरी माँ। तेरी माँ? तुझे तो माँ डालना चाहिए, पुलिस वालों पर हाथ उठाता है। दुश्मनी है क्या इससे?
मैडम सब इसके पीछे पड़े हो, उस दिन भी मारा आज भी मार रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। पुलिस की वर्दी पहनकर अपने आप को शरीफ समझते हो? मैडम ये बहुत खतरनाक चोर है, ये हमें बेवकूफ बनाना चाहता है। ये देखिए मैडम, दुकान पर चोरी की चैन बेच रहा था मैडम। दुकान में बेचने आया था इसीलिए मुझे कुछ शक हुआ। इधर दो। कोट सूट पहनकर कोई 5 किलो सोना लेकर आए तो तुम लोगों को शक नहीं होता, लेकिन अगर कोई गरीब दवाई या किताब खरीदने के लिए तुम्हारे दुकान पर सोना बेचने आए तो तुम्हें शक होने लगता है। यहाँ के सोनार कितने शरीफ हैं मुझे सब पता है, उसे पानी दो नहीं तो मर जाएगा वो, हालत देखो उसकी। ये सोना मैंने दिया था उसे, इसकी माँ की बॉडी मॉर्चर में पड़ी है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। पैसा मिले तो डॉक्टर को इंसान मरे या जानवर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर पैसा ना दो तो मरी हुई बॉडी भी नहीं देते। बात सुनो, ये रखो सोना और इसके पैसे उसे दे दो, और याद रखना कोई भी हेरा फेरी नहीं चाहिए। गरीब के मुंह में जबान नहीं होती। लगता है तेरी किस्मत टूटी हुई कलम से लिखी है, दुनिया भर का दुख तेरी कुंडली में ही लिखा हुआ है। अब तुम क्या करोगे? चलो मेरे साथ। माँ, वो अंकल आपको चुपके देख रहे हैं। कौन है वहाँ? जाओ। कौन है वो? कोई बुड्ढा है। अरे यार, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं आ रहा है। पुलिस। ए, इधर आ। जी मैडम बोलिए। शंकर को बुला। अभी बुलाता हूँ, इसको भी अभी आना था। अरे शंकर भाई। शंकर नहीं, भगवान शंकर बोल। काल से भी, महाकाल से भी, भगवान शंकर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ बोल शंकर भाई। अरे शंकर भाई। अरे कौन है रे? बोल क्या है? अरे वो लेडी एसआई आई है। क्या मैडम, इसने चोरी की है या किसी का खून किया है?
काफी दिनों से ये मेहमान आपके साथ है ना, इसलिए पूछा। ये तो सर्कस का जोकर लग रहा है, देख तो ऐसा रहा जैसे हमें खड़े खड़े ही खा जाएगा। आपको क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए ये सवाल मत पूछ, इसे क्या काम देना ये सोच। ओ, तो इस बच्चे को हमें पालना है, ये हमारे काम आएगा मैडम। तुम खतरनाक काम करते हो ना, तो इसे भी खाने कमाने लायक बना दे। मैडम तो छोड़ के चले गई, अब इसका क्या करें? क्या माल है भाई, दिन ब दिन खिलती जा रही है। अरे बेटा, किसी दिन यूनिफॉर्म पहन के आएगी और हम सबको यहाँ से उठा कर ले जाएगी और अंदर कर देगी। बेटा जरा संभल के रहना, और धुलाई करेगी अलग से। बकवास बंद करो और अपने काम पर लग जाओ। शंकर भाई वो देखो, वो आ गई। ए, अभी जाओ, शाम को आ जाती हूँ। आज मैं इस आदमी को छोड़ूंगी नहीं। लाओ मुझे दो। ये ले, सब बांट के खा लेना। मैं लेके आई हूँ। ये कोई नई छिपकली है क्या? हाँ नई छिपकली है, तो तुम्हें क्या करना? कितनी बार का है समझ में नहीं आता? फोकट में हमारे काम में टांग मत अड़ाया करो। मैं मुफ्त में नहीं बैठी हूँ, तुम्हारे गधों को चार वक्त का खाना खिलाती हूँ तब यहाँ पे हूँ। ज्यादा बकवास मत कर, चल हट। नहीं चाहिए तुम्हारा जहरीला खाना, ऊपर से खाता हूँ ना तो पीछे से निकल जाता है, समझी? क्या है शंकर, क्यों भूख रहे हो? आते ही झगड़ा शुरू हो गया, चलो तुम अंदर चलो। मैंने नहीं, इसने किया है। क्यों रे? वो तुम सबको अच्छे से खाना खिलाती है, अगर वो नहीं रहेगी तो तुम्हें खाना कौन खिलाएगा? चलो अंदर चलो। ये भी आ गई, इसका भी भाषण सुनना पड़ेगा, ताली नहीं पीना। चलो भाई तैयार करते हैं। आजा। ए, तू भी आजा। अरे यहाँ पे किसी बात की कमी नहीं है, खाना पैसा शराब सब कुछ मिलता रहता है। आज तो जमकर खाएंगे यार, आ जाओ बैठ। अरे तैयारी हो गई है कि नहीं? ऐसे ऐसे लोग मेरे सिर पर पड़े हैं, अब इन सबको संभालना पड़ता है मुझे। अरे भाई वो सब छोड़ो ना, भगवान सबकी रक्षा करता है, आपकी टेंशन ले रहे हो। तो उसके साथ शादी करेगा क्या? भाई सेकंड हैंड गाड़ी अपन नहीं चलाता। भाई भाई आप बोलो कि तो मैं चला लूंगा, रो मत। ठीक है, तो ऐसे पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा होकर देख क्या रहा है? खड़े खड़े हमारा थोपड़ा देखता रहेगा क्या? चल खाना खा ले, आजा। चल आजा खाने के लिए। देख इंसान किसी को कुछ नहीं देता है, जो भी देता है ना भगवान देता है। भगवान खा ले खा ले। अरे आज तो चल खाना लगा खाऊंगा मैं, जम कर। भगवान भोलेनाथ, ऑपरेशन फुल टू सक्सेस भाई। अरे तुम पंटर लोग मेरे रुद्राक्ष हो, रुद्राक्ष। ये लो खा लो। भगवान हमने उसे बहुत मारा। अब आपका नाम सुनकर हर कोई डरेगा भाई। जेल में रहने वाले भी डरते हैं। अबे चुप, बकवास करता है। मैंने इसका काम पूरा कर दिया। ये क्या, इस आदमी को मारा? हाँ फुल टू धुलाई की भाई हमने। ये क्या कर दिया तुमने? अरे इसी ने तो सुपारी दी थी हमें, और तुमने इसी की धुलाई कर दी? सोचना तो चाहिए था, इतनी बड़ी मछली हाथ में आकर निकल गई। सुन, सिर्फ एक ही पैर काटा है ना? उसका हिसाब तो हमने पूरा कर दिया भाई। अबे नालायक, हट! इन निकम्मों से कोई काम सही नहीं होता, बेकार में पैसे खर्च हो गए। इसे ही मार दिया तो अब हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? आप क्यों चिंता कर रहे हो, पैसे तो उसने पहले दे दिए ना। अब इतने लोग हैं लेकिन किसी काम के नहीं, किन गधों को पाल रखा है मैंने भी। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? शंकर भाई इसे हमने उठा लिया। भाई आप बोल रहे थे कि स्कूटर और उठा लेते हैं। हाँ ठीक है, बाइक उठाकर तुमने एहसान किया है मुझ पर, एक छोटी सी बाइक ही तो उठाइए, उसके लिए मैं तुम्हें क्या राष्ट्रपति अवार्ड दे दूँ? शंकर भाई भी बस ऐसी बकबक। खाने में मजा आ गया भाई। ये लो भाई और लो। दे दो इसको। ये और लो। ये लो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, अपनी अपनी प्लेटें खुद उठाओ। हाँ भाई ले, दे दे दे। इसका कॉल कहाँ से आ गया? हाँ बोल। बशीर बोल रहा हूँ, बता क्या काम है। सुन, एक क्वार्टर का काम आया है, सोडा तुम्हें डालना पड़ेगा। नीट नहीं पी सकते क्या? फ्रॉड का मामला है, पार्टी का फ्रॉड है, करेगा? ठीक है। सुनो बशीर ने बुलाया है, लौंडे को भी साथ ले लो। भगवान, बशीर, बालन, कारवान और सलीश, सिब्बू, चेला, यहाँ मेरी मुलाकात इन लोगों से।
ये सिर्फ धमकी देने के लिए है। सूद और ब्याज का मामला है ये। पिछली बार मांगा था तो पैसे दिए थे, पर 2 महीने का ब्याज नहीं दिया था। अब तो ब्याज भी नहीं, मूलधन भी नहीं। देख भाई, हर महीने के हिसाब से 8-9 महीने का देखें तो 6-7 लाख बनता है। अच्छी तरह से काम करेगा तो ठीक है, वरना जिस रास्ते से तू आया है उसी रास्ते से निकल जा। काम तो कर दूंगा, पर ये पैसे पहले मुझे दो। ए सुन, डरेगा तो नहीं? वो इस धंधे का बहुत पुराना खिलाड़ी है। हे भगवान, तू फिकर मत कर, ये काम कर देगा। भरोसे वाली मैया, हमारा काम करवा देना, 5 रुपए बर्बाद नहीं होने चाहिए। कौन है बे? देख के नारियल नहीं फोड़ सकता, डरा दिया। जय जीसस। नहीं, भरोसे वाली मैया। 1, 2, 3। हर हर महादेव। चलो भाई, जो बताया वो करना। चलो आजा, भूलना मत। चलो बैठो, गाड़ी में बैठते हैं। कमॉन, आ जाओ, कमॉन। चलो बैठो। हे भगवान, सबकी रक्षा करना। आगे बैठो, अंदर घुसो। अरे संभाल के, थोड़ा बाहर जाएगा क्या मुझे? पंगा होगा आज यहाँ। सबको अच्छी तरह देख लिया, अब काम की बात करते हैं। तूने उस आदमी से पैसे लिए और अब पूरे 2 साल हो चुके हैं, तूने उसके पैसे क्यों नहीं लौटाए बे? कौन हो तुम लोग? अच्छा सवाल है। शंकर, भगवान शंकर कहते हैं लोग। तूने वो कहावत नहीं सुनी? काल से और शंकर भगवान से सबको डरना चाहिए। तुझे डर नहीं लगता क्या? शक्ल से एकदम डरा हुआ लग रहा है। हैं? पैसे चाहिए? मैंने 2-3 बार दिया, बाद में नहीं दे पाया। दे दूंगा, परेशान मत हो। हर काम में तेरी मर्जी चलेगी क्या? जब दिलाएगा तब पैसे वापस करेगा, तब तक खुजाता बैठूं? फालतू बात मत कर। दास शंकर इधर आया है, तुम पैसे लेकर यहाँ आ जाओ। आज इसका फाइनल सेटलमेंट कर देते हैं। आधा भगवान आधा इंसान, लोग कहते हैं मुझे अर्ध नारेश्वर। अंदर जानवर बाहर भगवान, बोल नहीं सकते, कवि हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोची वाला। ये कोच्ची वाला है ब्रो। क्या बोल रहा था तू? मैं अपनी बीवी से ऐसे ही बात करता हूँ। मजाक करता है कमीने। क्या दे? भागो, 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 भागो।
नादान पागल, तू अभी तक खड़ा है, भागा क्यों नहीं? भाग, अरे भाग जल्दी। ही मार देंगे क्या? चलो उनको ढूंढते हैं, चलो। हाँ चलो। आजा आजा, जा लेकर आओ उसे। अरे जल्दी करो, जल्दी जा। देखो उसको मार रहे हैं, उसको मार रहा है क्या? बहुत मार रहा है। पकड़ो 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 पकड़ो। अरे उतारो उतारो उसे, उतारो। लगे चलो, छोड़ रहे हैं। आज छोड़ कहाँ गए वो लोग? आज चलो चलो जरा चलो पकड़ो। आज छोड़ रहे हैं। हाँ लेके आओ। हाँ संभाल के, हाँ संभाल के संभाल के संभाल के पकड़ो संभाल के। हाँ, ले चलो, ले चलो, बहुत ज्यादा मार दिया इसको। हाँ ले आओ ले आओ ले आओ, चलो ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, अंदर डालो अंदर। हाँ लाओ भाई लाओ लाओ। क्या बात है, कुत्ते की तरह मार खा के आया है। अरे इसे तो मार कर आड़ा तिरछा कर दिया उन लोगों ने। बुरे काम करेगा तो पिटेगा ही। अब काम किया तो दर्द तो होगा ही ना। कैसा बेवकूफ इंसान है, भागने के लिए कहा तो बस की सीढ़ी पकड़कर खड़ा हो गया। वो तो अच्छी बात है कि अभी तक जिंदा बचा हुआ है। जिस तरह से इसे मार रहे थे ना, तो मुझे तो लग रहा था कि इसे मार ही डालेंगे। फिर कौन बचा था? आप तो भगवान है शंकर भगवान, आप बचा सकते थे। कमेंट कर रहा है, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? वैसे एक बात तो है, इतनी मार खाने के बाद भी बस की सीढ़ी नहीं छोड़ी। क्या हुआ? अब क्या बताऊं मैडम, कहां इस फेविक्विक की दुकान को मेरे साथ चिपका दिया है आपने। मार खाता रहा लेकिन बस की सीढ़ी नहीं छोड़ी इसने। चुप हो जा, रो क्यों रहा है? मर्द है तो मर्दानगी दिखा। तुम्हें सीआईए ने बुलाया है। हाँ आता हूँ। ऐसी आइटम एक बार मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। अबे वो तेरी ऐसी धुलाई करेगी कि पेन किलर भी काम नहीं करेगा।
आ जाओ भाई, खाना खाते हैं यार, मजा आ जाएगा। आज तो स्पेशल खाना है, काम कर लिया। चलो आ जाओ भाई, जरा अंडा कड़ी इधर भी एक प्लेट। भाई बहुत भूख लगी है। अरे बाजूबाज, अरे बेटा क्लासेस नहीं गई तू, जाती हूँ माँ। एक बोटी और अंडा मुझे भी देना। सुनो, तुम्हारा ऑर्डर मैं नहीं ले सकता। क्यों? तुम दंगा फसाद करने वाले इंसान हो और हम मेहनत मजदूरी करने वाले। अच्छा पिताजी, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी। शंकर, कोई मैचिंग चाहिए तो बोलना। नहीं भाई, सुना है उस दिन तुझे बहुत मार पड़ी है। वो हम लोग हथियार लेकर नहीं गए ना, इसलिए। क्या तुम लोगों को हथियार नहीं मिला था क्या? मिला था, फिर भी धुलाई होती है तुम लोगों की। मम्मी मुझे बलून चाहिए, बलून चाहिए। जबरदस्त धोया था भाई तूने तो, एक को ऐसा मारा कि उसकी हेडलाइट ही तोड़ डाली यार। मुझे चाहिए। ऑटो ऑटो। नहीं नहीं पहले बस जीती हो गई हो तुम। बलून लेके दो ना। उस गुंडे को बोल के तुम्हें मार खिलाऊंगी, पकड़ के ले जाएगा तुम्हें। पहले बलून लेके दो ना। भाई साहब इसे डराएंगे प्लीज, मुझे परेशान कर रही है। प्लीज इसे डराइए ना। बलून चाहिए। ए लड़की बकवास बंद कर, बलून की दुकान तेरे बाप की है क्या? चल निकल। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम चुप रहो। चुप हो जा। मेरे सामने तेज आवाज में बोलेगी तो पटक पटक के मारूंगा, दीवार से चिपका दूंगा, समझी? जा जा। मुझे धमकी दे रही है? तुझे चल तू हट। अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, समझे? भगवान शंकर जब किसी पर गुस्सा होता है ना तो उसकी जान लेकर रहता है, समझे? अभी डरेगी। ए, तेरी तो अभी हथियार भी नहीं लाया आज। मैं तुझे मार भी नहीं सकता। ए, अभी तेरा भाग गए। बोला था ना बहस मत कर मुझसे, बढ़िया ही शंकर भाई से लड़ने वाले देख लूंगा। बड़े बड़े गुंडे भगवान शंकर से डरते हैं, तेरी औकात क्या है? दोबारा मत देखना, वरना जान से मार दूंगा। बैठो भाई। ला खिला, लड़ने के बाद भूख लगती है। तू लौट के इधर आ, फिर बताऊंगा ये भगवान शंकर क्या है। बढ़िया ही मुझसे लड़ने वाली, मुझसे लड़ेगी। घूर के क्या देख रहा है? आंखें निकाल लूंगा। शंकर कस्टमर है, अच्छे से पेश आ। तू कौन होता है मुझे चुप कराने वाला? तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ या बताना पड़ेगा? चुपचाप निकल ले यहाँ से, चल निकल। अरे शंकर उससे पंगा क्यों ले रहा है? लूंगा, क्या कर लेगा? ये इतना बड़ा पहाड़ सामने कहां से आ गया? इससे पंगा लूंगा तो मेरा ढोल फट जाएगा। हे भगवान, कल की मारनी पड़ेगी यहां से। अब स्कूटर चलो जल्दी, भागो जल्दी। अबे किधर गया ये? पकड़ो उसे, चलो। नहीं
चाय उसे दे दो भाई। चाय मैं उसे दूं? सुनो मैडम, आप इसे टेस्ट मत करना, दिमाग सही नहीं है, पागल है। क्या बात है? ओह, मुझे तो लगता है भगवान ने इसे स्टील से बनाया। सर, जमानत के पेपर्स लाया हूँ। थोड़ा चुप रहेगा? ये कौन है रे? मैं बात करता हूँ। क्या है? ये अपना ही लड़का है, जमानत लेने के लिए आया हूँ। कोई भी डील हो तो बता देना, शंकर में बहुत दम है। किसमें कितना दम है ये तो तू अच्छे से जानता है। हमें कम मत समझना सर, हमारी ताकत बढ़ गई है। अच्छा सुन, मेरा एक काम कर सकता है क्या? हाँ बोलो सर। इस काम से हम दोनों अच्छे पैसे कमा सकते हैं। क्या बोलता है? ठीक है ना? हाँ भाई, देखो पता नहीं क्या करना है। हाँ ठीक है ठीक है, देखते हैं हो जाएगा। चलो चलो चलो। पता नहीं क्या। नमस्ते भगवान। कालू भाई जाने क्या? हाँ चलो आ जाओ। कम ऑन। ए कल रात की पार्टी ना मेरे घर की बड़ी शानदार थी, तुम लोगों ने मिस कर दिया यार। नमस्ते शंकर भाई। नमस्ते भाईजान। और बोलो, काम काज कैसा चल रहा है? काम तो सीआई ने बता दिया होगा। तुम्हारे सीआई को बताने के लिए ही कोच्ची वालों ने मेरा नाम कालू भाई रखा है, ये बात उसे भी अच्छी तरह मालूम है। नहीं भाई। ए नहीं भाई, नहीं कालू भाई, इस नाम से मुझे पुकारो। कॉम्पिटिशन खत्म करना चाहता है वो सीआई। वैसे भी उस आदमी को जानता हूँ, वो मुझे 20 लाख रुपए देने वाला था, मुझे वो पैसे मिलेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। पर ऐसा होगा नहीं ना भाई, तुझे तो मैं कौन है ये?
अगर हमने इसे अच्छे से काम सिखाया तो आगे चल के ये बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। ए, इसे अपने साथ रख और अच्छे से ट्रेनिंग देना। अगर ये तेरे साथ है तो तुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए? तुम्हें पता है कोटा मेदू भाई को किसने मारा? किसने? में सारी फैसिलिटीज हैं। हाँ सर। बोलो भाई। एक मस्त आइटम मिली है सर। तो लेकर क्यों नहीं आया? अरे सर अभी तो गाड़ी में बैठी है। तो फिर चौराहे पे आ जाओ। ठीक है सर। गाड़ी क्यों तेज चला रहा है? एक भाड़ा है सर, जल्दी पहुंचना है। भाड़ा मिलेगा तो इतनी तेज चलाएगा? ए, क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहा है? वो सर क्या है कि सनग्लास और पर्दा डाल रखा है। दो नंबर का काम करता है क्या? बहुत अच्छे। जरा मैं भी देखूं। वाह बहुत अच्छी लड़की है, कहाँ से लेकर आया? सर वो हम लोग ठीक है चलो 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 पुलिस स्टेशन चलो चलो जल्दी नीचे उतरो।
अरे वाह, बहुत अच्छा धंधा चल रहा है तुम लोगों का। तुम्हारे बारे में तुम्हारे घर वालों को तो पता चले? नहीं सर, घर में पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सर, अरे सर क्या कर रहे हैं? ये मेरी मौसी का बेटा है सर, मैं इसे इसके घर छोड़ रहा था सर, चाहो तो इससे पूछ लो। तेरी मौसी का लड़का है, ले पकड़ और चल निकल यहाँ से, चल और इनको जीप में बिठाओ। चलो चलो तुम्हें जन्नत की सैर करवाते हैं। चल उतार उतार नीचे उतार। काम अच्छा चल रहा है। हाँ भाई आप सही कह रहे हो, बाकी का पैसा कब देगा? चल तो निकल। ठीक है सोचा था कि जैसे जिंदगी चल रही है शांति से कुछ दिन जी लूंगा, लेकिन अब लगता है कि जल्दी मौत आएगी। शैला मैडम से पंगा मैंने लिया था तो उसको सॉल्व भी मैं ही करूंगा। मुन्ना 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 रोक। अरे मुन्ना, अरे सुन मुन्ना, रुक जा, आ जा रहा है। मुन्ना अरे रुक, मुन्ना सुन, क्या कर रहा है? मुन्ना रोक, मुन्ना इतने दिनों में नहीं कर पाए वो इसने कर दिया। मैं बहुत पैसे वाला नहीं था, एक मिडिल क्लास की जिंदगी जी रहा था, और उसी समय मुझे एक ट्रेवल एजेंसी में काम मिल गया। ये कौन है? ये ग्रुप के साथ जाने वाली पैसेंजर है, वीजा बनाने के लिए बोल रही है ये। हाँ। सुन शंकर, डॉक्यूमेंट्स फेक लग रहे हैं, नंबर मैच नहीं हो रहा है, जरा देख तो। मैडम, सारे यंगस्टर ही जा रहे हैं क्या? एक्चुअली मैं 15 सालों से वही काम करती थी। फ्रांस में हमारी मैडम लॉरेन ब्लैक का सुपरमार्केट में एक छोटा सा बिजनेस है, लड़कियों को वही ले जा रही हूँ। आप 10 मिनट दीजिए, मैं सब ठीक करके देता हूँ। ओके, टेक योर टाइम। पुलिस को बुलाओ। यहाँ मैनेजर कौन है? मैं हूँ सर, शंकर। क्या प्रॉब्लम है? ये सब फेक पासपोर्ट है सर, किसी का नंबर मैच नहीं हो रहा है सर। किसका पासपोर्ट है? वो बाहर रूम में बैठी है सर, एक लेडी है। उसे ले चलो, पुलिस स्टेशन में पूछताछ करेंगे। यस सर। तुम लोगों को भी आना होगा। हाँ। टूर एंड ट्रेवल्स के नाम पर डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाते हो? मैडम आप चिंता मत कीजिए, इन सबको मैं ठीक करूंगा। नहीं सर, नहीं मैं नहीं सर, ये लाई थी सारे पासपोर्ट। ये सब हम पता करेंगे। मैडम आप जाइए, हम सब देख लेंगे। कैसे मैनेजर हो तुम? लड़कियों को किडनैप करके बेचने वाले
लॉरेंस ब्लैक ग्रुप के एजेंट को मदद करती थी वो औरत। हम लोग तो मदद करना चाहते थे जबकि खुद ही जाल में फंस गए। आजकल बातों से काम नहीं चलता, जबान की जगह तलवार चलानी चाहिए थी। क्या जमाना आ गया है। खैर अब फंस तो गए ही हैं, नाम भी खराब हो गया मेरा, क्या करेंगे अब। आपका नाम क्या है भाई? रंजन नायक। हाँ? मेरा नाम है बालन, नाइस टू मीट यू सर। माल कहाँ छुपाया है? बता, जल्दी बता। सब पता है, चोरी तूने की है बुड्ढे। हर जगह गरीबों का यही हाल होता है जो इसका हो रहा है, सब नाचते रहते हैं। ए, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? सर, मेरा बेटा निर्दोष है, उसने कोई गलती नहीं की है। तुम्हारे बोलने से वो निर्दोष नहीं हो जाएगा। डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाकर लड़कियों को किडनैप करके बेचने का धंधा करता है। मैंने कुछ नहीं किया माँ, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। ये पुलिस स्टेशन है, कोई शमशान नहीं है, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। दोनों को धक्के मारकर बाहर निकालो। चलो 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 बाहर निकलो। नहीं नहीं बाहर निकलो, बाहर वेट करो। चलो देखो, तुम्हारे बेटे ने बड़ा फ्रॉड किया है, ऊपर से लड़की ने इसके खिलाफ कंप्लेन की है। ओ सुनो, अभी अगर सीआई ने पूछताछ की तो क्या करेंगे? तुम दोनों के पास तो पैसा भी नहीं है। एक बार सीआई से मिल लो, जाओ मिल लो। सर कहाँ मिलेंगे? सर अपने घर गए। हाँ, जीप से ले जाओ, बस हम इतनी ही मदद कर सकते हैं। चलो बेटी। हाँ? सिर्फ बेटी को भेज दो। सीआई से मिलना याने किसी वहशी जानवर से मिलना। जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। तुम चुपचाप वहां बैठ जाओ। और पैसे कमाने के लिए मेहनत मजदूरी करके दिल से काम करने का फैसला किया था, लेकिन फिर भी अच्छी जिंदगी नहीं जी पा रहा था। उसके बाद एक भली औरत और गांव वालों ने मुझे बचा लिया और मैं जेल से बाहर आ गया। हम जिंदगी में जो भी करते हैं उसका फल भुगतना पड़ता है। अपने पाप धोने के लिए जीना भी पड़ता है। उस मैडम के हम लोगों पर बहुत एहसान है, उसने कई बार हम लोगों को जेल जाने से बचाया है, इसलिए हम लोग उसकी कोई बात नहीं टालते। इसे भी सीआई मैडम ने ही मेरे पास भेजा था, जैसे उसने तुम्हें मेरे पास भेजा। यहां सबकी जिंदगी में कई छोटे छोटे सपने हैं। मरने के लिए तैयार हो? जहरीले तीर से हमें मारने से पहले हम उसकी जान ले लेंगे। मैं तो तैयार हूं। बोलो क्या बोलते हो? चल नीचे उतर, आजा। ए चल चल उतर। चुप हो जा, रो क्यों रही है? चुप हो जा, चुप चुप। कोई आवाज नहीं निकालेगा, हटो चुपचाप। आप कुछ बोलना नहीं समझी? तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो हमें? छोड़ रहे बहुत बोलती है, ज़बान काट के हाथ में दे दूंगा। आज तुझे ज़बान चलता क्या होता है?
अरे चिकन मटन खा के गेंडा हो गया। गेंडा, तेरी हंसी भी गेंडे की तरह ही है रे। अबे हंस मत, काम के बारे में सोच, तुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है गेंडा कहीं का। बिना सोचे समझे कुछ भी करते रहता है तू। हमको लगा मर गई होगी इसलिए फ्रिज के नीचे फेंक दिया। ए, अपनी फालतू की बकवास बंद कर। आज तक एक भी लड़की अपने अड्डे से भागी नहीं है। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन हम पैसा के लिए कुछ भी करेंगे। वो डॉक से 15 लड़कियों को भेजना है हमें। सामान है क्या? वो बोरी में भर के भेजेगा। ए, 15 करोड़ तैयार है ना? चुटकी बजाते ही तेरा काम कर दूंगा मैं। अकड़ बकड़ बॉम्बे बोल, 2 मिला के 100। पैसा में हम कभी गड़बड़ी नहीं करते हैं। माल खरा तो पैसा पूरा। क्या हुआ, मिल गई क्या? उस कॉलोनी में जाकर आग लगा दो। ओके। तुझे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। छोड़ मारना चाहते हो उसे, पागल हो गया? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। 2 दिन से बाहर थी, दिन रात मेहनत मजदूरी करके इसे पाला। क्या मैंने इसी दिन के लिए पाला था कि ये किसी के साथ भाग जाए? मैं क्या करूं, मेरी बेटी किसी के साथ भाग जाए तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं भाई? इसके साथ 6-7 लोग बर्बाद हो गए। मैं चल आ जा, उठ, छोड़िए मुझे, छोड़िए ना। ये लड़की पुलिस स्टेशन से भाग कर आई है। हमारे जीते जी इसे नहीं ले जा सकते। ऐसा है ना, अगर मैं इसे नहीं ले गई तो कोई और ले जाएगा। ले जाओ इसे, किसी मुर्दा खाने में सौंप दे इसे। ले जाओ इसे, ले जाओ। तुम्हारे 5-6 ऑफिसर्स लोग इसकी अच्छे से इज्जत लूटेंगे, और इसके बाद भी किसी की भूख बचेगी ना तो तू उनकी भूख मिटा देना, सुअर की बच्ची। मैंने बहुतों की मिटाई है, लेकिन आजकल इन लड़कियों की डिमांड है। मेरे काम का एक रूप तुम लोगों की रक्षा करना, और दूसरा रूप इन लड़कियों को उनके पास पहुंचाना। यही सब करके कांस्टेबल रेखा से एसआई रेखा बनी। तुम मुझसे तो इन्हें बचा लोगी, पर फिर भी ये लोग बचेंगी नहीं। ऐसी बहुत सी लड़कियों को कल सीआई डॉक से कहीं भेज रहा है, उन सबको तुम बचा सकते हो। रास्ता मैं बताती हूँ। सबका गड़िया में डाल दिया, चल जा। हाँ
deal with the things and get the girl to the airport. Once they're in there, I'll cover everything. But now, you just stop with this morning argument and you get the girl to the airport, okay? Hey, once the girls are boarded, I have no dealings with anybody. So first cash, then deal. That's the way I deal with everybody, okay? Got it? दो करोड़ रुपया और बाकी का एक लड़की भाग गई थी। अबे गेंडी, एक ही लड़की तो भागी है। ऐसे खेल मैंने बहुत खेले हैं, अब चुपचाप पैसे निकाल। I don't care about the money, I just need the girls, okay? लड़की होके लड़कियों का धंधा करती है, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? ये तो गई सर। क्या दल्ले, इस शहर की भोली भाली लड़कियों को बेचना यही काम है ना तेरा? जैसों की इज्जत भोली भाली लड़कियों को बेचकर बन रही थी ना, और इसी तरह के कुकर्म करके तुम लोग अपना पेट पानी चला रहे थे। जंगल में रहने वाले मुझ जैसे इंसान को मुझ जैसे कीड़े मकोड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। खत्म कर दूंगा तुम लोगों को, काली माता की कसम। इज्जत का सौदा बहुत कर लिया तुम लोगों ने, लेकिन अब तुम जैसों का काल तुम्हारे सामने खड़ा है। अब मरने के लिए तू तैयार हो जा, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता, मैं तुझे मार डालूंगा। चलो जा।
ये कहानी यहाँ खत्म हो गई, लेकिन ऐसा चलता ही रहेगा क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में तो ये सब होता ही रहेगा और इस सब को होने से कोई रोक भी नहीं सकता। इसलिए अच्छा ये है कि अपने अपने काम पर ध्यान दो। चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो।